अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ क्रेडिट राइट्स एंड क्रेडिट ओब्लिगेशंस। क्रेडिट राइट्स क्या होता है और क्रेडिट ओब्लिगेशंस क्या होता है। पहले हम देखेंगे क्रेडिट राइट्स क्या होता है। द क्रेडिट राइट्स ऑफ द गारंटीड क्रेडिटर्स विद रेस्पेक्ट टू गारंटीड ओब्लिगेशंस। क्रेडिट राइट्स हम जो है क्रेडिट राइट्स किन कस्टमर्स को देते हैं। पहले आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमारे गारंटीड कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स होते हैं, उनको जो हम क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा क्रेडिट ओब्लिगेशंस। क्रेडिट ओब्लिगेशंस क्या होता है। क्रेडिट ओब्लिगेशन इट्स अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट ए बोरोवर अंडरटेक्स गारंटिंग रिपेमेंट ऑफ लोन। क्रेडिट ओब्लिगेशन होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जो एक बोरोवर जो क्रेडिट लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक कंपनी से जो क्रेडिट बोरो करता है, वो एक जो है लीगल एग्रीमेंट जो है वो एक उसके लिए मुतफिक होता है, वो साइन करता है एक लीगल एग्रीमेंट कि वो जो उसने ये क्रेडिट लिया है वो वापस पे करेगा। ये होता है क्रेडिट ओब्लिगेशन, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो एक बोरोवर लेता है, किस लिए कि मैं जो मैंने क्रेडिट लिया वो क्रेडिट मैं वापस पे करूंगा। क्रेडिट राइट्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हम राइट्स कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट राइट्स में। और क्रेडिट ओब्लिगेशन में वो होता है जो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करता है एक बोरोवर कि मैं जो हूं अपना ये क्रेडिट जो है वो पे करूंगा। फिर हम देखते हैं लीगल राइट्स ऑफ कस्टमर्स इन रिलेशन टू क्रेडिट। कस्टमर जो होता है उसके लीगल राइट्स क्या होते हैं। क्रेडिट को लेकर एक कस्टमर जो होते हैं उसके लीगल राइट्स क्या होते हैं। द फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट FCRA, ये एक एक्ट आया है। ये किस लिए आया है। इट गिव्स यू सर्टन राइट्स विद रेस्पेक्ट टू योर क्रेडिट रिपोर्ट। ये आपको जो है सर्टन राइट्स देता है, आपको सर्टन हकूक देता है ये अपने जो है आपने क्रेडिट लिया है उसके बारे में जानने के लिए। ये जो एक्ट आया है फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट, इसके थ्रू आप जो है अपने क्रेडिट जो आपने क्रेडिट लिया है उसके बारे में जो है अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम, ये यहाँ नीचे दिया गया है। तो क्या क्या राइट्स देता है। पहला राइट जो है हमारा वो है द राइट टू नो व्हाट योर फाइल कंटेन्स। राइट टू नो व्हाट योर फाइल कंटेन्स, आपको जो है हक जानने का है कि आपकी जो क्रेडिट फाइल है उसमें क्या क्या है। व्हाट दैट फाइल कंटेन्स, यू हैव राइट टू नो अबाउट दैट। फिर दूसरा आता है द राइट टू आस्क फॉर अ क्रेडिट रिपोर्ट। आप जो है कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से जो आपने क्रेडिट लिया है, आप उसका जो है रिपोर्ट उसके लिए भी उनको पूछ सकते हैं कि हमें जो है ये आप प्रोवाइड कीजिए, ये जो क्रेडिट रिपोर्ट है हमारा वो आप हमको प्रोवाइड कीजिए। तीसरा आता है फिर द राइट टू हैव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन करेक्टेड और रिमूव्ड। अगर आपको लगता है कि वो जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है अगर उसमें कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही नहीं है इंफॉर्मेशन और क्या है वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, आप उसको बताइए, उनको बता सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, आप इसको जो है सही कीजिए। या आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो है इसमें आपने चीज़ रखी है ये आप रिमूव कीजिए, सो दैट आप जो है सेटिस्फाई रहें। चौथा जो आता है इसमें वो है द राइट टू हैव ओल्डर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर क्रेडिट रिपोर्ट। द राइट टू हैव ओल्डर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर क्रेडिट रिपोर्ट। ओल्डर, अगर कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो कि सही नहीं है, और नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स कि जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या जिस इन्फॉर्मेशन से आप जो है सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, ओल्डर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, आप उसको जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट जो आप को मिलता है आप वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं कि प्लीज एक्सक्लूड दिस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी रिपोर्ट। फिर इसमें पांचवा आता है राइट टू हैव एक्सेस टू योर क्रेडिट रिपोर्ट। जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना पुराना ये पूरा जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आता है लीगल ओब्लिगेशन ऑफ कस्टमर्स इन रिलेशन टू क्रेडिट। कस्टमर जो होते हैं उनके लीगल ओब्लिगेशन क्या होते हैं, वो जो ये एक लीगल बाइंडिंग करते हैं उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या काम होता है। पहला ये उनका अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो वो एग्रीमेंट करते हैं जिस वक्त वो क्रेडिटर से क्रेडिट उठाते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो उस वक्त जो वो एग्रीमेंट करते हैं
उनका पहला ही चीज जो उनके लिए मेन ड्यूटी होती है जो उनको चाहिए करना वो होता है अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। वो जो एग्रीमेंट करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उस वक्त उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ ले। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर साइनिंग अप व्हेन इट कम्स टू बॉरोइंग। ये एक जो क्रेडिट लेता है बंदा उसकी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ साइनिंग। वो जो वहाँ पे उस वक्त वो लीगल ऑब्लिगेशन करता है, एक लीगल बाइंडिंग वो जो करता है क्रेडिटर के साथ जिसे वो क्रेडिट लेता है, उसको वहाँ पे क्या चाहिए एक क्रेडिट लेने वाले को, उसको वहाँ पे चाहिए कि अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ साइनिंग अप फॉर। वो क्या जो वहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या लिखा गया है। रीड द फाइन प्रिंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट, उसमें जो इंटरेस्ट की बात की गई है, अगर आप 100 रुपये लेंगे फॉर एग्जांपल आपसे, फिर कल को 110 120 रुपये वापस लिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फीस एंड अदर चार्जेस जो जो उसमें लिखा गया है उसको चाहिए वो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें सो दैट कल को जो हो उस बंदे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है, उसको चेक योर स्टेटमेंट, जो वो फिर स्टेटमेंट चेक करता है, जो उसको FCRA एक राइट करता है, प्रोवाइड करता है जानने के लिए अपना ये क्रेडिट रिपोर्ट, उसमें वो जो उसको मिलता है स्टेटमेंट वो क्या करें, इंश्योर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। उसको ये मतलब इंश्योर करना है कि जो भी उसको वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली है उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट जो है सही हो। इफ़ नॉट नोटिफाई योर क्रेडिटर इमीडिएटली, अगर उसको लगता है कि वो जो उसको रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट में कहीं गलती है, उस रिपोर्ट में कहीं पर कोई मिस्टेक है, तो उसको क्या करना चाहिए, नोटिफाई योर क्रेडिटर इमीडिएटली, अपना जो क्रेडिटर है जिससे उसने क्रेडिट उठाया है उसको वो क्या करे, जल्दी से इन्फॉर्म करे कि ये जगह है यहाँ पे आपने जो है थोड़ा मिस्टेक की है। कीप योर रिसेप्ट्स एंड रिकॉन्साइल टू योर मंथली स्टेटमेंट्स, जो आपको रिसेप्ट्स मिलते हैं जिनसे जो अब आप क्रेडिटर से क्रेडिट लेते हैं, जो आपको वहाँ पे रिसेप्ट्स मिलते हैं आप क्या करें, उन रिसेप्ट्स को आप अच्छे से संभाल के रखें एंड रिकनसाइल टू योर मंथली स्टेटमेंट्स। और फिर क्या करें, हर मंथ के बाद आप जाए वहाँ पे और आप मंथली आप हिसाब कीजिए, अपने रिसेप्ट्स ले जाइए साथ, वहाँ पे क्या करना है क्रेडिटर, ये क्रेडिट जो बंदा लिया है उसको क्या करना है वहाँ पे उन रिसेप्ट्स के हिसाब से वहाँ पे उनके साथ हिसाब करना है, सो दैट कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।